हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारी एंटॉक की 4th फ्री सर्विस होने जा रही है। वो आप लोगों के साथ पूरा वीडियो में शेयर करेंगे और हमारी एंटॉक के ऊपर जो जो प्रॉब्लम है वो सर्विस सेंटर वाले ने सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो पूरा दिखाएंगे आप लोग। तो गाइस, हमारी एंटॉक के ऊपर जो फास्ट प्रॉब्लम है वो वाइब्रेशन प्रॉब्लम, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से पेस करने से कैड कैड करके साउंड आ रही है दोनों साइड की, और ये जो नीचे क्लच रहती है इसका यहाँ पे, यहाँ से साउंड आ रही है। और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है, ब्रेक शू चेंज कराना है पीछे का, और इसका माइलेज भी टेस्ट कराना है, माइलेज अच्छा नहीं दे रही है। तो गाइस, हम लोग चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखना आप लोग रिक्वेस्ट है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो गाइस, देख लीजिए ऐसे लुक आ रही है हमारी एंटॉर्क की। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा जर्नी। पहले हम लोगों को फ्यूल अप कराना है, तो इस सामने ही है हाई रोड, वहाँ से लेफ्ट लेंगे, यहाँ पे है पेट्रोल पंप, वहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा खाना दे देना है, उसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे सर्विस सेंटर के लिए। इस कैफे कॉफ़ी डे, यहाँ पे एक हार्ली डेविडसन की बाइक है, यहाँ पे आते हैं संडे राइड पे। तो गाइस, हम लोग आज सर्विस कराने जा रहा हूँ हमारी एंटॉर्क को। तो पेट्रोल डाला लिया, तो यहाँ से हम लोगों को रोड क्रॉस करना है, ओ करके हो गया रोड क्रॉस। तो गाइस, चलिए, हमारी घर सिंगूर के आसपास है, यहाँ से हम लोग जाएंगे डानकुनी 80 TVS। तो वहाँ से हम लोगों का जो एंटॉर्क की 4th सर्विस है वो कराएंगे। तो गाइस, मेरे घर से यहाँ से डिस्टेंस 35 किलोमीटर, अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे। तो गाइस, चलिए आप लोगों के साथ कुछ मोटो ब्लॉगिंग शेयर करता हूँ और कुछ नज़ारा अच्छा अच्छा शेयर करता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं, इसी चैनल पर मोटो ब्लॉगिंग, राइड, मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं हम लोगों ने, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम लोगों का 2K सब्सक्राइबर पूरा कंप्लीट होने जा रही है। तो चलिए आज का राइड कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, सुपर बाइक जा रही है, देख लीजिए, ओ और नहीं है, दोनों ही था। बताते के दादा आसो हाँ कोलकाता कोता थे के कोता है कोलकाता पाक सर्कस थे के आसो कोता कैसे चले हमरा के आजादीन ढाबा ओ ठीक है जा ऑल द बेस्ट। भाई साहब ने पार्क सर्कस कोलकाता से साइकिलिंग करके आजादीन ढाबा तक आए हैं, दोनों पर्सन थे पीछे एक और सामने, और अभी जा रही है घर पार्क सर्कस। पार्क सर्कस से आजादीन ढाबा 67-8 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, देख के बोलना पड़ेगा। तो इतना दूर साइकिलिंग करके आना एक चैलेंज की बात है भाई। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं TVS की सर्विस सेंटर पे। चलिए चलिए, ये है लेफ्ट साइड में हमारी TVS एंटॉर्क की सर्विस सेंटर। Thank you.
এটা লাগবে তো। ভালো তো কি মোবাইল দেবে এখানের মধ্যে কোনটা? এখানে हमारी एंटोर की फोर्थ सर्विस हो चुकी है। एक अच्छा से क्लियर सा जाएगा दे के आप लोगों को पूरा दिखाएंगे क्या क्या किया हूँ TBS वालों ने। तो इस चलिए हम लोग आ चुके एक बेस्ट लोकेशन पे जहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारी एंटोर को कैसे सर्विस प्रोवाइड किया गया है TBS एंटोर की सर्विस सेंटर से। हम लोगों का जो प्रॉब्लम था वाइब्रेशन प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दिया गया। इसका जो ब्रेक शू है वो पूरा चेंज कर दिया, अभी अच्छा से ब्रेक कम कर रहा है। ये जो क्लच प्लेट का साउंड है ये भी सॉल्व कर दिया, तो पूरा अच्छा से क्लीन कर दिया हमारी एंटोर को। मेरे एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, इसका जो फ्यूल का गेज है मैं इसका फुल टैंक किया हूँ, अभी ये पूरा दिखा रहा है फ्यूल एम्प्टी। इसका वायर फायर काट दिया होगा चूहों ने, दिखाना होगा मैकेनिक को। और पूरा अच्छा से क्लीन कर दिया, मेरा फोर्थ फ्री सर्विसिंग आज कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका कॉस्ट कितना आया। तो गाइस इसका जो कॉस्ट मेरे को पड़ा 647 रुपीस। तो गाइस ब्रेक की पड़ा मेरे को 227 रुपीस और इंजन ऑयल की 380 रुपीस। और एक आपका जो स्विच बटन है वहाँ पे क्लीन करने के लिए एक ऑयल यूज़ करता है यहाँ पे वो सर्विस सेंटर वाले ने हम लोगों को बोला, सजेस्ट किया, वो 40 रुपीज़ का था, हम लोगों को यूज़ कर लिया, वो भी 39.99। तो टोटल पूरा हमारी बिल नीट टोटल बिल हुआ 647 रुपीज़ फोर्थ सर्विस। ठीक है, तो इस हमारी जो फोर्थ सर्विस है पूरा कंप्लीट हो चुकी है हमारी एंटोर की। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी इस यूट्यूब चैनल को राइडिंग विद फारूक सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट और मोटिफिकेशन और राइड रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो गाइस आशा रखता हूँ आज का वीडियो आप लोगों का अच्छा होगा। बाय बाय।